आपको बताएं, फैसलाबादियों का नया रिकॉर्ड। साल 2022 में 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। सोशल मीडिया पर इन इदादोशुमार ने हलचल मचा दी। क्या वाकई फैसलाबाद में 10 दिन में 5 लाख बच्चे पैदा हुए, या इदादोशुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं? सिटी 41 इदादोशुमार सामने ले आया। आपको बता रहे हैं, साल 2022 में 10 दिनों में फैसलाबाद में 5 लाख बच्चे पैदा हुए। सोशल मीडिया पर इन इदादोशुमार ने हलचल मचा दी। क्या वाकई फैसलाबाद में 10 दिन में 5 लाख बच्चे पैदा हुए हैं, या इदादोशुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं? इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा, क्या इदादोशुमार में गलती आ रही है, वाकई ये हकायक है? मैडम, मेरा तो सर जो है चकरा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या हो क्या रहा है। ये फैसलाबादी जो सारी दुनिया में बड़े शगुफ्ता मजाज गिने जाते हैं, आज लगता है उन्हीं के साथ हाथ हो गया है। पूरी दुनिया में हमें कहा जा रहा है जी कि आपने 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। सच्ची बात, मेरा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि 10 दिनों में 5 लाख बच्चे फैसलाबादियों ने कैसे पैदा कर दिए। ये तो अगर इसको जरब दें तो फिर पूरे साल में 1,82,00,000 बच्चे बनेंगे। तो सच्ची बात ये, हमने इतने कोई नहीं पैदा किए, बिल्कुल नहीं किए, ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया ने जरूर ये कह दिया है कि 5 लाख बच्चे पैदा। आप ही मैडम सोचें ये कैसे मुमकिन है, हो सकता है कि 5 लाख बच्चे 10 दिनों में पैदा हो जाएं, वो भी एक शहर में? मतलब इससे बड़ा हमारे साथ, हम सारी दुनिया को जुगते मारते हैं, लगता हमारे साथ जो ना हाथ हो गया है। हमें जुगत बहुत बड़ी मार दी किसी ने, और हमें तो समझ नहीं आ रही इससे बड़ी जुगत इस साल की और क्या हो सकती है कि फैसलाबादियों ने 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। तो भाई अब इसकी तो वजाहतें देते देते हम थक जाएंगे। मैं सच्ची बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे जरूर ये किसी ने हमारे साथ हाथ कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कितने बच्चे पैदा हुए 10 दिनों में, वो सिर्फ 25,000 हैं। फैसलाबादियों ने सिर्फ 25,000 बच्चे पैदा किए 10 दिनों में, लेकिन वो भी 10 दिनों में 25,000 पैदा नहीं किए, अंदराज हुआ है 25,000 का। वो बच्चे जो पहले से पैदाशुदा हैं, लोग सोए रहते हैं, पहले बच्चे लेके नहीं जाते, वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाते नहीं। अचानक ख्याल आता है कि जुर्माना हो जाना अगर आपने ना अंदराज करवाया, तो फिर उनको ख्याल आता है कि जल्दी जल्दी अब जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आखिरी जो अभी 10 दिनों में वो बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो 25,000 नहीं है, वो सिर्फ उनका अंदराज हुआ है, जो पता नहीं शायद शुरू में पैदा हो गए हों, बल्कि यहां तक कहा गया कि 7 साल के बच्चे भी हैं इनमें शामिल, जो जुर्माना दे के उनको रजिस्टर करवाया गया। तो फैसलाबादियों के साथ प्लीज ऐसे ना कीजिए। जो एक्चुअली इस पूरे साल में बच्चे 23 दिसंबर तक पैदा हुए, 1 जनवरी 2022 से 23 दिसंबर तक जो बच्चे पैदा हुए और जिनका अंदराज हुआ, उनकी कुल तादाद जो है इसमें जो बच्चे मेल बच्चे पैदा हुए वो हैं जी 1,21,560, और जो फीमेल बच्चे यानी बच्चियां पैदा हुई वो उनकी तादाद है 1,12,410। तो कुल फैसलाबाद में जो बच्चे पैदा हुए या जो रजिस्ट्रेशन जिनकी लेट हुई, ताखीर से हुई, पैसे जुर्माना देके या ताखीर से करवाई गई, वो 2,33,970 बच्चे हैं। और 10 दिनों में जो हुए, जो बात की जा रही, वो 25,000 है। लेकिन हमारे साथ हाथ हो गया मैडम, फिर कहूंगा 5 लाख बच्चे हमने 10 दिनों में बिल्कुल पैदा नहीं किए फैसलाबादियों ने, ये बहुत बड़ा मजाक है। सच ये है कि पूरे साल में जो बच्चे पैदा हुए या जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई वो 2,33,970 हैं, और 10 दिनों में जो कहा जा रहा है कि जो कैंपेन जब चलाई महकमा ने कि रजिस्ट्रेशन करवा लें वरना फिर फाइन देना पड़ेगा, इन 10 दिनों के दरमियान सिर्फ 25,000 बच्चे जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो 5 लाख बच्चे 10 दिनों में फैसलाबादियों ने बिल्कुल पैदा नहीं किए, ये हमारे साथ वही हुआ है जो हम लोगों के साथ करते हैं, यानी जुगते मारते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। इस साल हमारे साथ ये सबसे बड़ा हाथ हो गया, सबसे बड़ा मजाक हो गया, 5 लाख बच्चे बिल्कुल हमने पैदा नहीं किए। जी बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब आपके वक्त के लिए।